बिग बॉस सीजन 16 में शिव ठाकरे की जब से एंट्री हुई है तब से आई थिंक पिछले काफी वक्त से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है। उस वीडियो में शिव नजर आ रहे हैं, उस वीडियो में रणविजय नजर आ रहे हैं और ये वीडियो है रोडीज के वक्त का, यानी कि तब से लेकर अब तक शिव ठाकरे की जो जर्नी है उसको बाय गॉड जनता का भी सलाम है और अब तो रणविजय ने भी सलाम कर दिया है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूम्स, मैं हूँ ज्योति नाहक। वाकई स्प्लिट्स विला रोडीज से कई सारे सितारे, कई सारे सेलिब्रिटीज बिग बॉस तक आते हैं और बिग बॉस जीत कर लेकर चले जाते हैं। जी हाँ, चाहे वो प्रिंस नरूला हो या इस तरह के कई बड़े बड़े नाम, करण कुंद्रा हो, ऑफकोर्स मैं आपको बता दूं प्रतीक सहजपाल हो, याद करते जाओ तो नाम आते चले जाएंगे, पारस छाबड़ा हो, बहुत गहरा रिश्ता रहा है हमेशा से स्प्लिट्स विला रोडीज और उसके साथ बिग बॉस का, क्योंकि यहीं से कई सारे डिफरेंट पर्सनालिटीज और कैरेक्टर्स को उठाकर लेकर आया जाता है और हर अलग अलग तरह के लोग जब आते हैं बिग बॉस में तो देखने का मजा भी दुगना और 3-4 गुना बढ़ जाता है। इस वक्त मैं आपको बताने आ गई हूं कि कैसे रणविजय सिंघा सामने आए हैं और उन्होंने शेयर किया है ये वीडियो शिव ठाकरे के साथ। जी हाँ, शिव को सपोर्ट करने के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं। सर आप जो भी करोगे ना, मैं आपका सर कभी नीचे नहीं होने दूंगा। मराठी माणसाचा वादा है सर। X2 के बाद ये पहली बार है कि भाई फिर रोए हैं किसी कंटेस्टेंट के लिए। बहुत कम ऐसा होता है कि रणविजय सिंघा रो पड़े, और रणविजय अगर किसी के लिए रो पड़े मतलब उस इंसान में वाकई सच्चाई है। एक बार फिर ये वीडियो दिखाना तो बनता है, लेकिन ये वीडियो प्ले भी तो होना चाहिए दोबारा से। जैसा मैंने कहा कि बिग बॉस के घर के अंदर बहुत सारे सदस्य आते हैं, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आते हैं, लेकिन जब वो घर के अंदर आ जाते हैं तो उनके पुराने वीडियोस, पुरानी उनकी हिस्ट्रीज, ये सब निकल कर सामने आती है और जनता उनके पुराने रूप को जब देखती है तो बड़ा एंजॉय करती है। सर आप जो भी करोगे ना, मैं आपका सर कभी नीचे नहीं होने दूंगा। मराठी माणसाचा जवाब है सर। X2 के बाद ये पहली बार है कि भाई फिर रोए हैं किसी कंटेस्टेंट के लिए। भाई बहुत कम रोते हैं, लेकिन जब रोते हैं तो बहुत ज्यादा जनता को भी हर्ट कर देते हैं। इस पर आपको क्या है कहना और ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर।